अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं। कल हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मीटर रूल पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे मेजरिंग सिलेंडर। ये मेजरिंग सिलेंडर एक ग्लास का बना हुआ लिक्विड वाले मेजरिंग जो है वो सिलेंडर है। ये आपके सामने नज़र आ रहा है, ये लेबॉर्ट्री के अंदर पाए जाते हैं। ये 100 ml से लेके 2500 ml तक लेबॉर्ट्री के अंदर अवेलेबल होते हैं। लेबॉर्ट्री के अंदर मेजरेबल लिक्विड को ट्रांसफ़र करने के लिए या उसको मेजर करने, लिक्विड को मेजर करने के लिए इसको लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, द टू मेजर द करेक्ट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इसमें वही चीज़ आ जाती है। जब आप लोग इसकी मेजरमेंट कर रहे होंगे, जितना लिक्विड डाला होगा उसको बिल्कुल सीधी आंख से बिल्कुल लिक्विड के सतह के बराबर देखेंगे तो हमें जो है वो करेक्ट मेजरिंग आएगी, करेक्ट रीडिंग आएगी। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो ये बिल्कुल नीचे ऊपर चला जाएगा। अगर नीचे से देख, नीचे से तो आपको नज़र ही नहीं आएगा, वो नीचे चला जाएगा। और नीचे से देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ऊपर। ठीक है, इसकी भी करेक्ट रीडिंग लेने के लिए इसको भी बिल्कुल सामने देखना ज़रूरी होता है। ये आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, एक डेसीमीटर 1 लीटर के बराबर होता है और 1 लीटर 100 ml के, 100 ml 1000 ml के और 1000 ml 1000 cm के बराबर होता है, 1 mm 1 cm के। जब 1000 ml 1000 cm की है तो 1 ml 1 cm³ के बराबर ही होगा। मिनी एक्सरसाइज आपने कन्वर्ट करना है, 5 m³ है। ठीक है, आपने इसको डेसीमीटर क्यूब में तब्दील करना है, इसने 1000 cm³ है तो इसको आपने 1000 cm³ है तो ऑटोमेटिकली 1000 ml में हो जाएगा ना, तो 5 m³ है। ये आप लोगों ने खुद इसको मेजर करना है। ठीक है, ये इसकी बताई गई है एक्टिविटी, बताई है कि कैसे मेजर किया जाता है। या ये इसमें बताया गया कि एक अननोन मास जो है, ठीक है, इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है, उसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है, उसका मतलब है कि वॉल्यूम कैसे मेजर किया जाता है। तो आपने मेजरिंग सिलेंडर में एक मेजरेबल अमाउंट लेनी है, जैसे कि इसने 40 ली हुई है, उसके बाद आपने उसके अंदर वो ऑब्जेक्ट ऐड कर देना है। ठीक है, ये जो आपका होगा V1 होगा, फर्स्ट वॉल्यूम होगा। जब हम इसमें वो इरेगुलर ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे तो ये आपका या ऊपर चली जाएगी, क्योंकि उसका भी वॉल्यूम जो है वो पानी के अंदर आ जाएगा, तो ये चलेगी फॉर एग्जांपल 60 पे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम जो मालूम करना है तो V=V2 माइनस, इस V2 में से V1 माइनस कर देंगे तो जो बाकी आएगा वो इस पत्थर का वॉल्यूम होगा, क्योंकि 40 ml जो है वो आपने उसमें से निकाल दिया है वाटर का। ठीक है, तो इसमें ये जो है वो 40 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 60 माइनस 40 हो जाएगा तो बाकी बचेगा 20, तो 20 ml जो है वो इस इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का पत्थर जो है डाला गया है उसका, उसकी मेजरमेंट होगी। इस तरह फ्लास्क की बात करते हैं तो फ्लास्क भी लेबॉर्ट्री वेसल कंटेनर हैं, ये ग्लास या प्लास्टिक से बने होते हैं, हर साइज़ में पाए जाते हैं और जितना वॉल्यूम इसमें लेना होता है उस तरह से हम इसको ले सकते हैं। आमतौर पर लेबॉर्ट्री के अंदर 50 ml 100 ml 250 500 ml 1000 ml तक ये पाए जाते हैं। दीज आर ग्रेजुएटेड इन द यूनिट ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर में इसको मेजर किया जाता है और मिलीमीटर में। सोल्यूशन बनाने के लिए, ये सोल्यूशन को जस्ट मेजर करने के लिए और ये सोल्यूशन को आमतौर पे बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी।